मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि दुष्ट का सामना न करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार के नियम है कि अगर उन्होंने मेरे अंक तोड़ दिया तो उन्हीं का अंक हमें तोड़ने का दायित्व तो है, या उन्हीं का अंक तोड़ने का हक है। ये मेरे दांत के बदले उनका दांत को निकालना है। और ईसा मसीह हम लोगों को इसी उपवास काल में हमारे जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कह रहे हैं। किसी के प्रति बदला लेने के बजाय अपने उदारता के भंडार से उन्हीं के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ईसा मसीह हमें आमंत्रित कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे आते हैं? अगर कोई भी मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो उन्हीं को दूसरा भी दिखा देने से उनके अंतर्तम में मेरे प्रति जो क्रोध है वो निकल जाएगा। इसी प्रकार हमारे हर एक कार्य हमारे उत्तारदा से परिपक्व बना करके इस दुनिया से हर एक नकट्टे विचारों को या पापमय विचारों को क्रोध को निकालने के लिए ईसा मसीह हमें आमंत्रित कर रहे हैं। आइए भाई बहनों, हमारा उत्तारदा का भंडार को खोलते हुए हमारा जिंदगी को सुधारें। किसी के प्रति क्रोध या प्रतिकार न रखते हुए या किसी से बदला लेने का भावना के तो उसी को छोड़ते हुए हमारा जिंदगी को सुधारते हुए आगे बढ़े। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करे। सबको जय यीशु।